भावी मुखिया प्रत्याशी कृष्णा कुमारी आर्य ग्राम सोहरिया सुवाह मिलिक पंचायत सोहरिया मिलिक वार्ड नंबर 14 प्रखंड बनमन की जिला पूर्णिया पंचायत के योग शिक्षित कर्मठ ईमानदार सहनशील और कर्मशील श्रीमती कृष्णा कुमारी आर्य को एक बार अवश्य भारी मतों से विजयी बनाए। श्रीमती कृष्णा कुमारी जी का कहना है कि मैं इसलिए मुखिया पद का चुनाव लड़ रही हूं कि जो विकास का काम पंचायत में होना था वो 100% अधूरा पड़ा हुआ है और मैं चाहती हूं कि एक बार चुनाव लड़ने का मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर विकास करूंगी, जैसा कि पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना, मवेशी भवन एवं बकरी भवन तथा गली नली में सोलिंग का विकास करवाएंगी। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक दिलाएंगे। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगी। सिर्फ एक बार इस वर्ष में पंचायत वासियों की समस्त परिवार के जीत की आशीर्वाद मांगती हूँ। पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर बधाई हो। पूर्णिया से खास रिपोर्टर मोहम्मद नौशाद। आइए, यहाँ का जो प्रत्याशी उम्मीदवार मुखिया पद से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनसे हम मिलते हैं और पंचायत के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का है ना प्राइम टीवी को। जी, मेरा नाम कृष्णा कुमारी आर्य है। जी, हम वार्ड नंबर 14 के सहरिया सुभाई के मुखिया प्रत्याशी हैं। जी, है ना। मेरा मकसद है अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का मकसद को लेकर के हम इस क्षेत्र में आए हैं। जी, है ना। पब्लिक सहयोग करेगी, मदद करेगी, हम जरूर इसको अपने मुकाम तक लेके जाएंगे। जी, आप मुखिया प्रत्याशी और मुखिया पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपको जनता चुन लेंगे। अगर आप मुखिया पद का चुनाव जीत जाते हैं, सर मुखिया बन जाते हैं, तो पहला आपका क्या उद्देश्य रहेगा, प्राथमिकता क्या रहेगा सर पंचायत में? पहला प्राथमिकता तो रहेगा हर घर को जल, नल, शौचालय और जो भी मतलब योजनाएं हैं जी, उसको लेके हम धरातल पर आए जी, और बिना किसी रोक टोक के सब पूरे पंचायत में इसको हम लागू करवा सके और कर सके और हर घर में एक अच्छा माहौल ये कर सके। पढ़ाई लिखाई जो भी है, बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, शराब में नशे में पड़ रहे हैं, जानकारी के अभाव में सब है ना, कोई मतलब उसको रास्ता दिखाने वाला ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। तो हम हमारा उद्देश्य यही है कि थोड़ा अपने हम अपने पंचायत को थोड़ा विकसित करें, विकास करें उसका जी, है ना, पढ़ने लिखने में सबको मदद करें, जो भी हमसे संभव हो पाएगा जी, अगर हम बन गए, मदद किया अगर पब्लिक, तो जो भी हमसे संभव हो पाएगा वो हर चीज हम करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक